फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वनस्पति दर्शन और उसके फ़ायदे। वनस्पति दर्शन और उसके फ़ायदे में हम आपको अवगत कराते हैं औषधियों से, वनस्पतियों से, और उनकी पहचान कराते हैं तथा उनके औषधीय गुण बताते हैं। आज हम आपके लिए औषधि लेकर आए हैं हल्दी। हल्दी जिसका प्रयोग हम अपने भोजन में करते हैं और शादी ब्याहों में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है, वो आप अच्छे से जानते हैं। तो आज मैं आपको हल्दी दिखाने वाली हूँ कि ये किस तरह की होती है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, आप किन किन बीमारियों को हल्दी द्वारा अपने शरीर से दूर रखकर अपनी मदद कर सकते हैं। हल्दी हमारे सिर के दर्द को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए आप अपने सर पर हल्की सी हल्दी लगा लीजिए। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो ये आपको सर दर्द से आराम देगी। थकान होने पर भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है, और अगर आपकी मांसपेशियां थक चुके हैं तो ये उनको भी बहुत आराम देती है। आंखों की सूजन दूर करने में हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए आप अपने सर पर हल्दी लगाइए, इससे आपकी आंखों की सूजन दूर होगी। चूँकि ये सूजन को सोख लेती है, आपकी आंखों की जलन को सोख लेती है, आप इसको सर पर लगा सकते हैं। कुष्ठ रोग, जो बुखार होता है, उसमें भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए आप दूध के साथ हल्दी का सेवन कीजिए, इससे आपके बुखार को बहुत जल्द आराम मिलेगा। हल्दी आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए आपको जब कभी भी शरीर में कमज़ोरी महसूस हो तो आपको हल्दी का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। अगर आप दूध नहीं पी सकते हैं, आपको दूध अच्छा नहीं लगता, तो आप हल्दी में शहद मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। पुरानी खांसी होने पर आप एक चम्मच शहद में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें और इसका सेवन कीजिए। मिक्स कर लीजिए इस पेस्ट को, इसको पहले पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद इस पेस्ट को अच्छे से चाटिए। इससे आपको खांसी की समस्या से बहुत जल्द राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, आधा चम्मच हल्दी लेकर उसमें दो बूंद पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये पेस्ट अगर आपके शरीर पर कहीं भी जल गया है, कट गया है, या फिर शरीर पर चोट लग गई है और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो ये बहुत ही आसान और अच्छा घरेलू उपाय है जो आप कर सकते हैं। चोट वाले जगह पर इस हल्दी को लगाएं, खून रुकना तो बंद होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो चोट है उस पर संक्रमण भी नहीं फैलेगा और जलन से भी बहुत ही राहत देता है। तो जलन, चोट और कटने जैसी समस्या होने पर आप हल्दी के लेप का प्रयोग कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस लेप को अगर आप अपने शरीर के बालों पर लगाएंगे, अगर आपके शरीर पर बाल हो रहे हैं और उन बालों को आप हटाना चाहते हैं, तो इस लेप को बालों पर लगाइए, इससे आपके बाल जो हैं वो दूर होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हल्दी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, हल्दी के महत्वपूर्ण औषधीय गुण। आप वीडियोस देखते रहिए, औषधियों की पहचान करते रहिए, उनके बारे में जानते रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपको औषधियों से जुड़ी उससे संबंधित जानकारियाँ प्रोवाइड कराते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वनस्पति की जानकारी आपको दे सकें, हर औषधि के बारे में आपको बता सकें। आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए रेड निशान द्वारा सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और तरह तरह की वनस्पति और औषधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि सभी वनस्पतियों एवं उनसे संबंधित जानकारियाँ औषधियों को जान सकें। धन्यवाद।